अब हम आपके पास आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष उपलक्ष आ रहे हैं। यह टाइप नंबर टू इस टाइप का क्वेश्चन है। टाइप नंबर टू इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय सिक्स। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन था, यहाँ पर डिविजिबल बाय सिक्स यानी डिविजिबल वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। डिविजिबल बाई सिक्स या ऐसा लिखा जाए छः से विभाज्य है। तो हम चालू करेंगे, हमारा काम जो है वही चालू होगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट जो भी हमारे पास रहता है हम उसको पी एन के थ्रू लेट करते हैं। तो लेट पी एन इज सच दैट एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स ऐसा ले लीजिएगा। ये अपने को गिवन किया गया है, इसको आप वन लिख लीजिए। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। पुट एन इक्वल टू वन इन वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा पी वन इज सच दैट वन इंटू वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन इज डिविजिबल बाय सिक्स। तो यहाँ पर क्या आया, सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, देयरफॉर पी वन इज ट्रू, पी वन इज ट्रू, ऐसा अपन लिख सकते हैं, पी वन इज ट्रू। फिर अपन आते हैं सेकेंड स्टेप, उसमें क्या बोलते हैं, पुट एन इज इक्वल टू के इन वन, पुट एन इज इक्वल टू के इन वन। जैसे ही हम एन इज इक्वल टू के इन वन वन में रखते हैं एन इज इक्वल टू के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी के इज सच दैट के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन इज डिविजिबल बाय सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है। देयरफॉर अपन बोलेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, देयरफॉर पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। लेट कर लेंगे, एज्यूम, क्या करते हैं अपन, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पी के इज ट्रू, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ, दैट मीन्स कि पी के जो है इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स, दैट मीन्स के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन इज मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल ऑफ सिक्स, मल्टीपल ऑफ सिक्स। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स लैम्डा, दिस इज इक्वल टू सिक्स लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, लैम्डा इज इंटीजर, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर चालू करते हैं जहाँ पर लैम्डा बिलोंग करता है एन को। लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, सिक्स का गुणज है, सिक्स का गुणज है मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम चालू करते हैं स्टेप नंबर थ्री, किस पे आ जाते हैं स्टेप नंबर थ्री, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन इन इक्वेशन या इन वन, इन स्टेटमेंट वन। तो आपके पास कैसा हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इसी में एन की जगह पर के प्लस वन रखना है, तो पी ऑफ के प्लस वन इज सच दैट के प्लस वन इंटू हो जाएगा के प्लस टू इंटू हो जाएगा टू के प्लस थ्री इंटू हो जाएगा टू के प्लस थ्री इज डिविजिबल बाय सिक्स, इज डिविजिबल बाय सिक्स, ऐसा हो जाएगा। अब हमको इसको बनाना है, सिंप्लीफाइड करना है और थोड़ा दिमाग से हमको काम करना है। तो हम यहाँ पर चालू होते हैं नाउ, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नाउ के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू कितना लिखा हुआ है टू के प्लस थ्री, ये डिविजिबल बाई सिक्स है, ये डिविजिबल बाई सिक्स है, ठीक है, ये डिविजिबल बाई सिक्स है।
तो हमको ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है, इतना जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, या इसको 6 का मल्टीपल मैं प्रूव कर दूं, या तो डिविजिबल बाय 6 कर दूं या फिर 6 का मल्टीपल प्रूव कर दूं। तो मैं यहाँ पर चालू करता हूँ, k प्लस 1 इंटू यहाँ पर लिख लिया k प्लस 2, और यहाँ पर हम इसी को, ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला आप देख लीजिए कैसे करना है, इस प्रकार का टर्म हमारे को खोजना है, k प्लस 1 और 2k प्लस 1, तभी तो वह मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 6 बनाने के लिए मैंने इसको 2k प्लस 1 प्लस 2 लिख लिया, चलेगा यहाँ तक। ये जो 3 है इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक साथ लिख देता हूँ, ये हो गया 2k प्लस 1 एंड प्लस साइन के साथ। इसको फिर से लिख देता हूँ, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने एक पार्ट ले लिया, और इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है k प्लस 1, तो हम इसको फिर से यहाँ पर जो है इसको ब्रेक कर देते हैं, और इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो गया k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको इसको इसके साथ लिख लेते हैं, तो 2 के साथ हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस साइन के साथ, यहाँ पर 2 के साथ कितना आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ऐसा अपन ने लिख लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ गया k प्लस 1 इंटू ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस साइन के साथ, इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, 2 टाइम्स k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2k प्लस 1 प्लस साइन के साथ k प्लस 2। इसको हम और सिंप्लीफाई किए, ये हो गया k प्लस 1 और ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस साइन के साथ, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया k प्लस 1 और ये हो गया 3k प्लस 3 प्लस 3, यहाँ से अपन 3 को कॉमन निकाल लिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस साइन के साथ, 3 को कॉमन निकाल लिए तो 6 हो गया, और ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई टू, इसको हमने कितना लिख दिया 6 लैम्डा लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास 6 कितना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर 6 के साथ, तो यहाँ से 6 का मल्टीपल हो गया, ये 6 कॉमन निकाल लिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर ये डिविजिबल बाय 6 होगा, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 6 या मल्टीपल ऑफ 6, हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर हम बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम यहीं पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो टाइप 2 से रिलेटेड है, इफ x एंड y आर एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देन प्रूव दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड दैट x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y फॉर एवरी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई अपने पास सवाल दिया है, हम चालू करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन में आने के बाद आपको क्या करना रहता है बता चुका हूँ मैं, लेट करेंगे, लेट पी एन इज सच दैट एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन इज डिविजिबल बाय, ये हमको दिया हुआ है डिविजिबल बाय कितना एक्स माइनस वाई, ये हमारे को स्टेटमेंट नंबर 1 बोलना है, इसको हमको स्टेटमेंट मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम चालू होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हम क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट 1, इन स्टेटमेंट 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 इज डिविजिबल, डिविजिबल का साइन लगा देता हूँ ज़्यादा अच्छा है, डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई,
इसको अगर अपन ने सिंप्लीफाई किया तो x माइनस वाई आया, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, ठीक है, विच इज ट्रू, यहाँ पर लिख देंगे जो कि सत्य है, विच इज ट्रू। देयरफॉर अपन बोलेंगे कि P1 इज ट्रू, ये हो गया पहला। फिर हम दूसरा स्टेप करते हैं, पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू k इन वन, पुट n इज इक्वल टू k इन वन। जैसे ही हम n इक्वल टू k पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी के, यहाँ पर लिख लीजिएगा पी के इज सच दैट एक्स टू द पावर k माइनस वाई टू द पावर k इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ओके है यहाँ तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि पी वन इज ट्रू है, देयरफॉर पी के इज ट्रू। एज्यूम करते हैं अपन लोग, ये आपको मालूम है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू द पावर के माइनस वाई टू द पावर के, यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है, ये एज्यूम हो गया। इसके बाद हमको अगला काम करना है, पी के इज ट्रू, डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू द पावर के माइनस वाई टू द पावर के इज मल्टीपल ऑफ कितना, एक्स माइनस वाई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसा हो जाना चाहिए, दैट मीन्स एक्स टू द पावर के माइनस वाई टू द पावर के वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ इतना, यानी इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वाई, लैम्डा एक्स माइनस वाई, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, वेयर लैम्डा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ठीक है, आ रहा समझ में। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसको नंबर टू लिख देंगे, इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, नंबर टू। इस इक्वेशन को अपन ने लिख दिया नंबर टू। फिर अपन आते हैं, पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू के प्लस वन इन वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा P ऑफ K प्लस वन इज सच दैट x टू द पावर k प्लस वन, आ रहा समझ में, यहाँ पर भी रखेंगे माइनस y टू द पावर k प्लस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये हमको प्रूफ करना है कि इतना डिविजिबल बाय इतना होगा। तो अब हम चालू करेंगे, नाउ बिगिन, लेट्स बिगिन, यहाँ से लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर k प्लस वन माइनस y टू द पावर k प्लस वन, ये हमारा चालू हुआ। अब हम इसको बताने जा रहे हैं कि ये डिविजिबल बाय x माइनस वाई है, या तो x माइनस वाई का डिविजिबल बताएंगे या फिर x माइनस वाई का हम मल्टीपल बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका मल्टीपल बताएं, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख लिया x टू द पावर k प्लस वन, फिर यहाँ पर माइनस x टू द पावर k इंटू वाई, इतना ऐड किया है और इतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐसा हम कर रहे हैं, माइनस साइन के साथ y टू द पावर k प्लस वन। यहाँ पर ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपसे ये प्रश्न परीक्षा में नहीं बनेगा, ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से करते हैं, फिर यहाँ से हमने x टू द पावर k को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा y। इसी प्रकार से हमने इसमें से किसको कॉमन निकाल लिया, y को, किसको कॉमन निकाल लिया, y को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x टू द पावर k माइनस y टू द पावर k, ऐसा बच जाएगा, ओके है यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और बाई टू दिस इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बाई टू, यहाँ से एक्स टू द पावर के एक्स माइनस वाई प्लस वाई के साथ लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, ये कहाँ से आया, ये आया बाई टू। तो बाई टू का हमको यूज करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल गया एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स टू द पावर के प्लस लैम्डा वाई, विच इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वाई है तो ये डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई भी होगा, देन दिस इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. ओके, इस प्रकार से आपको बनाना है.